बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामप्रेम शर्मा। आज हम लोग कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस के रूप में रखा जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों को इंट्रोडक्टरी IoT के बारे में, ब्लूटूथ के बारे में, वाईफाई के बारे में, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। रिसेंटली इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी रखा गया है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके क्या बेसिक डिफरेंसेज है, किस तरह से काम करता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये सिलेबस में रहता है, तो वो देने का यहाँ पर प्रयास है। तो इस चीज़ के लिए अच्छा, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इसके अलावा जो सेकेंड ईयर में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चों को ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके अलावा अभी आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो रीजनिंग है, आपके इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, उससे रिलेटेड आपको मटेरियल अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर। तो सभी कॉम्पिटिटिव बच्चों को भी इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ IoT एंड ब्लूटूथ, ओके। तो स्टार्ट किया जाता है लेक्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कई डिवाइसेज हैं, ढेर सारी डिवाइसेज हैं, कुछ की सहायता से कुछ को आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, है ना, उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है। मैं एक एग्जाम्पल इसमें ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके घर में ना एयर कंडीशनर है, वो चल रहा है अभी, है ना, एयर कंडीशन चल रहा है, तो आपने उसको ऑन कर रखा है AC को। AC ऑन करने की वजह से वो लगातार ठंडक दे रहा है। अब आप गलती से ऑफिस चले गए और आप भूल जाते हैं कि AC आपका आपने बंद किया है कि नहीं बंद किया है, तो आप चाहते हैं कि आप AC को बंद कर दें। तो आपने किसी डिवाइस के थ्रू, कोई एक डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसको आप अपने मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। तो जब मोबाइल में इंटरनेट होगा तो कोई एप्लीकेशन होगा, कोई भी ऐप होगा, जिसकी सहायता से आप इस डिवाइस को कंट्रोल करेंगे, और जब इसमें स्विच ऑन या ऑफ करेंगे तो इसकी सहायता से AC में भी स्विच ऑन या ऑफ होगा, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो जब आप ढेर सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, है ना, तो ये जो आपका अभी कम्युनिकेशन है, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बात समझ में आ रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू होगा, ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये रोड है, और रोड के चारों तरफ आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, ताकि रोड पर ना उजाला हो, लाइट आती रहे। तो ये लाइट के लिए, अब ये कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो दो तरीके हो सकते हैं। या तो है ना ऑटोमेटिकली आप इसको कर दीजिए, या तो ना इसको ये कर दीजिए कि भाई ऑटोमेटिकली वो ऑन ऑफ होने के बावजूद कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो मैनुअल भी होता है। तो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे इसको स्विच ऑन या ऑफ कर पाएँ थ्रू इंटरनेट, है ना, तो उसको आप राउट कर पाएँ। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप IoT को आज के समय में यूज़ करते हैं। अभी जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से, है ना, आपने इसको और थोड़ा सा मजबूत किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपका, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें जो भी हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, है ना, और कुछ हमारे पास उससे जो रिजल्ट्स अवेलेबल है, उस रिजल्ट मतलब उसका कुछ आउटपुट भी आता है प्रोसेस होने के बाद, उसके आधार पर मशीन खुद ही ये डिसीजन ले कि अब इसमें क्या किया जा सकता है। बस समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर आपने मेजरमेंट किया, तो टेम्परेचर को फिर आपने वेबसाइट पर भेज दिया, वो ठीक है, और टेम्परेचर जितना है उसके आधार पर क्या टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, उसके आधार पर क्या कोई डिसीजन लिया जा सकता है। मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है तो AC को ऑन कर दें, ये मशीन खुद ही कर पाए। तो अब ये हमारा क्या होता है, ये मशीन खुद ही डिसीजन लेती है। ये भी इंटरनेट के थ्रू ही होता है ना, इसलिए भी ये आपका IoT। तो IoT और AI जब मिल जाता है तो टेक्नोलॉजी और इम्प्रेसिव हो जाता है ना। उसकी सहायता से और ज़्यादा ऑटोमेशन हो पाते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल में और ज़्यादा लग्जरी दे सकते हैं, ठीक बात है। तो दिस इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके चार लेयर्स हैं, चारों लेयर को एक एक करके बस हल्के में समझ लेते हैं एग्जाम में लिखने भर का। जो आपका सेंसिंग लेयर है, दिस इज द फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो आपका जो IoT है इसमें क्या होगा, जैसे टेम्परेचर को सेंसर की बात कर रहे थे हम, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए आपको टेम्परेचर सेंसर चाहिए। जैसे अलग अलग तरह के टेम्परेचर सेंसर होते हैं जिनकी सहायता से आप इन्वायरमेंट से टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और वो जो टेम्परेचर है वोल्टेज के फॉर्म में या रेजिस्टेंस के फॉर्म में आपको आउटपुट में मिलता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, है ना, और उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कितना टेम्परेचर है और क्या करना है, एक्टिविटी क्या परफॉर्म होनी है।
इस तरह से जो अलग अलग तरह के हमारे ये होते हैं है ना सेंसर्स, उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अलग अलग तरह के सेंसर होंगे, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर किसी का रहना ऑब्जेक्शनेबल है ना, मतलब इस एरिया में आप नहीं रह सकते। डिफेंस एरिया में नॉर्मली ये होता है कि भाई ये जो रीजन है, इस रीजन में कोई व्यक्ति आना जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई वहां पर अवेलेबल हो जाता है तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करेगा, उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सहायता से कोई ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है, उस ऑब्जेक्ट को आप डिटेक्ट कर लेते हैं और ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इंटरनेट के थ्रू ये सिग्नल सेंड कर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई अवेलेबल है, और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लिया जाता है। तो अलग अलग तरह के सेंसर्स अवेलेबल हैं, ऐसे अल्कोहल सेंसर है जो ना लिक्विड के केमिकल जो आपके क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए, गैस सेंसर है जो एयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है ना। अलग अलग तरह के सेंसर्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। तो ये जो हमारा है जो पहला लेयर है सेंसिंग लेयर, इसमें वो सेंसर्स अवेलेबल है ना, सेंसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं। ये जो हमारे होंगे ये हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, मूवमेंट है ना, एक्सेलरेशन, गैस, ये सारे जितने भी चीजें हैं उनको कुछ इक्वेलेंट किसी डेटा में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये डेटा आपका इलेक्ट्रिकल डेटा भी हो सकता है या वोल्टेज या करंट के फॉर्म में या रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं। ये डेटा किस तरह से प्रोसेस होगा, किस फॉर्म में प्रोसेस होगा है ना, वो डेटा प्रोसेसिंग लेयर का पार्ट होता है, और नेटवर्क लेयर उसी फॉर्म में डेटा को प्रोवाइड करता है। नेटवर्क लेयर को ये जो डेटा मिल रहा है वो उसको कैसे प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी, उनके बीच का इंटरकनेक्शन चाहिए, किस तरह का नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए है ना, कौन सी टोपोलॉजी ठीक रहेगी उस तरह के सिस्टम के लिए, ये सारी चीजें नेटवर्क लेयर में डिसाइड होती है। और जो भी यहाँ से इसके अलावा किस तरह का सिग्नल हमें, कौन से फॉर्म में सिग्नल प्रोसेस होगा, मान लीजिए आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो प्रोसेसर तो डिजिटल फॉर्म में डेटा को लेगा, तो डिजिटल फॉर्म में जो डेटा है ये नेटवर्क लेयर से उसको मिल जाए, तो ए टू डी कन्वर्टर की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो हमारा प्रोसेसर है वो प्रोसेस करने के बाद फिर डेटा को एप्लीकेशन लेवल पे सेंड करेगा, हो सकता है वहां पर एनालॉग सिग्नल की जरूरत पड़े, तो फिर क्या करेगा ये डी टू ए कन्वर्टर, ये भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये भी आपका नेटवर्क लेयर का पार्ट है। तो ये हमारे नेटवर्क लेयर के पार्ट हैं, ठीक है। अब जो हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा डेटा प्रोसेस होने के बाद एप्लीकेशन लेयर पर सेंड कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है, वो डेटा आपको कहीं डिस्प्ले में दिखाई देगा या आप स्मार्ट एप्लीकेशंस के थ्रू वो सारे जो हमारे रिजल्ट हैं उन रिजल्ट्स को अलग अलग जगह पर देख सकते हैं। आईओटी में आप वो पूरा का पूरा जो है किसी वेबसाइट्स पर भी ना आप अवेलेबल करा सकते हैं। आप देखते हैं गूगल पर पूरे समय आपको नए नए रिजल्ट अवेलेबल दिखाई देते हैं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आप अलग अलग रिजल्ट की बात करिए, आप एक बार सर्च करिए कि भाई आज पूरे दिन हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना था इलाहाबाद में है ना। तो आप इलाहाबाद में जब आप देखते हैं तो पूरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपको हर एक घंटे का या कहीं कहीं किसी किसी वेबसाइट पर हर आधे घंटे का वो लगातार जितने भी हैं वो डेटा आपको अवेलेबल दिखाई देता है। तो ये आपके ये चार लेयर्स हैं और इस तरह से आपको एग्जाम में इसको लिखना होता है। आप इसको टेक्नोलॉजी में जब यूज करने जाएंगे तो उसमें अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन लेवल पर है ना, तो उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के क्लाउड को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में इसकी जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। दूसरा जो हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा एक प्रकार का प्रोसेसिंग यूनिट है जो जिसको अगर हम कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है उन इनपुट्स को और कुछ आउटपुट रिजल्ट वो जनरेट करता है ना, और ये रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर दिया जाता है। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कंप्यूटर सिस्टम, ये सबसे अच्छा डिजिटल सिस्टम है हमारा है ना। तो कोई भी डिजिटल सिस्टम है उसमें कुछ इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे थ्रू इनपुट डिवाइसेस, वो प्रोसेस होगा थ्रू माइक्रो प्रोसेसर एंड आउटपुट फिर वहां से कुछ मिलेगा। जो भी रिजल्ट होंगे वो मेमोरी में भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैसे हमारा प्रोग्राम रन करेगा उन प्रोग्राम्स को भी आप मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज जैसे अगर नोन हमारा डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो इनपुट डिवाइसेज है वो नॉर्मली आप देखेंगे तो आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, इसके अलावा जॉयस्टिक हुआ करता था बहुत पुराने समय की बात, अभी भी बहुत सारे यूज होते हैं। आप देखेंगे आप
ना आपका इमेज स्कैन होता है, आपका जो ये सारे जो इनपुट आपके फिंगरप्रिंट जो मोबाइल फोन्स में आप देते हैं, इसके अलावा बहुत तरह के इनपुट्स, टच पैड के थ्रू आप इनपुट देते हैं, ये सारे जो है ये इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आप इनपुट देते हैं और वहां से कुछ प्रोसेस होता है। अब मोबाइल फोन में आपका स्क्रीन ही टच है ना, आप उसको कहीं पर टच करेंगे तो जो भी वहां पर एप्लीकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल पर आपने क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने वाला जो काम है ये माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर में दो पार्ट्स हैं, एक आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एएलयू को बोलेंगे, और दूसरा कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट ये सारी चीजों को डिसाइड करता है कि किस रजिस्टर से डेटा आएगा, कहाँ पर डेटा जाएगा, डेटा का फ्लो कैसे होगा। और एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो भी हमारा डेटा है उन डेटा के ऊपर एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, एंड ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा, जिसके बारे में भी आगे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो सारे ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो मेमोरी में जो भी प्रोग्राम्स रखे गए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस के सेट हैं जिसको आपने रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे डेटा का प्रोसेसिंग होता है और कुछ रिजल्ट जनरेट होगा। ये रिजल्ट आउटपुट पोर्ट को सेंड कर दिया जाएगा। जैसे अब रिजल्ट देखने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे मॉनिटर के थ्रू आप रिजल्ट देख सकते हैं ना, हमारे जो लैपटॉप का मॉनिटर है या कंप्यूटर का मॉनिटर है उस पर आपका दिखाई देगा। जैसे आपको वीडियो चलाना है तो आप कीबोर्ड की माउस की सहायता से आप डबल क्लिक करते हैं फाइल पर तो एक वीएलसी प्लेयर ओपन हो जाता है। जब उसमें प्ले के लिए आप क्लिक करते हैं, इनपुट मिल गया उसको, अब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा और आउटपुट मॉनिटर के ऊपर आप देख सकते हैं वीएलसी में आपको मूवी, सिंग, सॉन्ग्स ना, ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये आउटपुट पोर्ट में कोई, इसी तरह से आप प्रिंटर का यूज कर सकते हैं जिसमें आप ना जो भी आपको रिजल्ट है वो प्रिंट होके आपको मिल जाएगा, इसकी सहायता से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप सॉन्ग या म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो उसके लिए स्पीकर आपका आउटपुट का काम करेगा। ये सारे जो हैं हमारे, इसी तरह से इनपुट डिवाइसेस में माइक, यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं। तो ये हमारा होता है, तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर हमारा है क्या, ये एक प्रकार का प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें जिसको इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट डिवाइसेस से या मेमोरी से, स्टोरेज यूनिट से कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज यूनिट इसमें होता नहीं है, इसी तरह से इनपुट पोर्ट अवेलेबल नहीं, आउटपुट पोर्ट अवेलेबल नहीं, तो हमको इसको इंटरफेस करना पड़ता है कई बार, है ना। इसीलिए ये जितने भी डिवाइसेज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, रैम रोम है ना, ये सारे से इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है और उसके लिए पहले इनको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके जो स्मॉल चिप है माइक्रो प्रोसेसर के, उसमें केवल एएलयू और कंट्रोल यूनिट होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। जब आप माइक्रो कंट्रोलर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर, ये डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, तो माइक्रो कंट्रोलर ये इन सारी चीजों का एक सिंगल चिप में इनबिल्ट है ना। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, दिस इज सिंगल चिप डिजाइन, ठीक है, असेंबलिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी यूनिट, है ना, ये सारी चीजें एक चिप पर होंगी। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, आगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। देखो अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो दो तरह के प्रोसेसर दिखाई देते हैं ऐसे सीधे सीधे, एक RISC है, दूसरा CISC प्रोसेसर है। अब दोनों के बारे में हम अलग अलग यहाँ पर देखते हैं। तो RISC का यहाँ पर देखेंगे तो RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, और CISC हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले तो ये है, इंस्ट्रक्शन कम होंगे और जो भी होंगे वो सिंपल होंगे। सिंपल का मतलब दे एग्जीक्यूट, है ना, इन वन मशीन साइकिल, ध्यान से समझिएगा, केवल एक मशीन साइकिल में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स का मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये इंस्ट्रक्शंस इन नेचर कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर के इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑब्वियस सी बात है, दे टेक है ना मोर देन वन मशीन साइकिल टू एग्जीक्यूट, समझ आ रही बात, एग्जीक्यूट, तो ये एग्जीक्यूट होने के लिए एक से ज्यादा साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन किया गया, जैसे मान लीजिए एडिशन के लिए ऐड आपने कर दिया, है ना, मल्टीप्लीकेशन इसमें डिफाइंड नहीं है।
अब आप मान लीजिए सिस्क प्रोसेसर की बात करते हैं और आपने मल्टीप्लीकेशन के लिए MUL डिफाइन किया। अगर आप एडिशन की सहायता से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आपको पता है ना, जैसे 5 × 4 करना है तो आप क्या करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, तो आप 4 बार इसको प्लस करेंगे। एडिशन का जो ऑपरेशन है वो 4 बार चलेगा, 4 times। तो वन मशीन साइकिल में ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन 4 बार इसको कराना पड़ेगा। प्रोग्राम की लेंथ भी बड़ी हो सकती है, आपको 4 बार ये इंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिस्क प्रोसेसर की बात करें, उसमें मल्टीप्लीकेशन का एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आपने जॉइन कर दिया, अब इसमें आप केवल 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। क्लियर है ये? बट दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लेक्स, दिस टेक्स मोर देन 1 machine cycle टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने में। बट दो चीज़ें बच रही हैं, पहला तो प्रोग्राम की लेंथ छोटी हो जाएगी, आपको 4 बार ये ऐड प्रोग्राम लिखना पड़ता। प्रोग्राम की लेंथ छोटी होगी तो उससे क्या होगा, प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ गया तो छोटे प्रोग्राम में एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है ना, दूसरी चीज हो गई। तीसरा चीज, प्रोग्राम की जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में ज्यादा समय ले रहा है, अब यहाँ पर कम समय लेगा। देखो एक इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होने में ज्यादा समय ले रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन मान लीजिए इससे 2 machine cycle या 3 machine cycle में रन कर रहा है, 3 machine cycle में नॉर्मली रन करता है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे टोटल ऑपरेशन, एडिशन आप कितनी बार कर रहे थे, मान लीजिए 5 × 10 करना है तो 5 को 10 बार जोड़ना है, तो 10 बार आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो जो टोटल 10 machine cycle लगेगी वो 3 machine cycle में आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं। सो इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सिस्क प्रोसेसर काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है ना। बहुत तरह अलग अलग तरह के और स्पेशल प्रोसेसर हैं, जैसे को प्रोसेसर। को प्रोसेसर का सिंपल फंडामेंटल ये है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम रन करा रहे हैं तो उसमें एक जो फास्टर प्रोसेसर है ना, उसके साथ आपका मेन प्रोसेसर काम करता है, और वो ऐसे वर्क जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं उनको फास्ट प्रोसेसर को हैंड ओवर कर देता है। इससे प्रोसेसर के ऊपर से एक भार कम हो जाता है और ये दोनों साथ में मिलकर काम करते रहते हैं। चूंकि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम को प्रोसेसर पड़ा भी है। दूसरा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। बहुत सारी बार हम लोगों को ना इनपुट और आउटपुट साइड में भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ परफॉर्म करने के लिए आप इनपुट और आउटपुट को अलग अलग प्रोसेसर प्रोवाइड कर देते हैं। इससे CPU के ऊपर से भी लोड कम होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना, जो आपका CPU के मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ बहुत बहुत सारे काम को कर सकते हैं। फिर कई बार डेटा बस एड्रेस बस को शेयर करने में भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, CPU के ऊपर से उसका भार कम हो जाता है। एक आपका होता है ट्रांस कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्यूटर, जिसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका होता है कि भाई जब आपको ना प्रोसेसर से प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन कराना होता है, ऐसे कंडीशन में हमें एक इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है जो इन दोनों प्रोसेसर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा सके। तो दो ऑफिसर हैं, एक प्रोसेसर है दूसरा प्रोसेसर है, दो ऑफिसर को कम्युनिकेट कराने के लिए बड़े ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। सो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर इज अ, ठीक है, इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू कंप्यूटर्स। ओके, एक DSP होता है, जब हमारा कोई एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल से फॉर्म में प्रोसेस करना चाहते हैं उसके लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। इसमें इनबिल्ट आपका A to D, D to A कन्वर्टर्स होते हैं। A to D मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, और D to A का मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये सारे इनबिल्ट होते हैं। जैसे एनालॉग सिग्नल आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट पोर्ट पर सेंड कर देता है। ये DSP का काम होता है। दिस इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप पर है ना, रैम, रोम, EEPROM, सीरियल पोर्ट, पेरिफेरल्स, टाइमर्स, काउंटर्स, प्रोसेसर, ये सारी ही जितने चीजें हैं वो सब एक सिंगल पोर्ट पर अवेलेबल हैं। मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर ही आप इसको समझिए, बस इसमें प्रोग्राम आप लिखिए और उसके अकॉर्डिंग इसको आप रन करा सकते हैं। नॉर्मली ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, मगर माइक्रो कंट्रोलर को आप किसी एक टास्क के लिए आप डिजाइन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको आप यूज करते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, 8-bit का, 16-bit का, 32-bit का। 8-bit का होगा तो ये 8-bit के डेटा को प्रोसेस करेगा, मतलब इसमें जो रजिस्टर्स की साइज होगी वो 8-bit की होगी, और जो डेटा इसमें स्टोर होगा, परफॉर्म होगा, ऑपरेशन जिस पर परफॉर्म होगा, सारे 8-bit के डेटा होंगे। ऐसे जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स थे एग्जाम्पल के तौर पे, वो 8031, 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स एग्जाम्पल के तौर पे हुआ करते थे। 16-bit के माइक्रो कंट्रोलर 16-bit के डेटा को प्रोसेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 8096 जो इंटेल ने बनाया था इसमें। 32-bit माइक्रो
कंट्रोलर्स आपके काफ़ी हाई, क्योंकि ये 32 बिट के डेटा को ये कर सकते हैं। आजकल के समय में जितने आपके प्रोसेसर आप देखेंगे 32 बिट के या 64 बिट के हैं, है ना, 64 बिट के काफ़ी हैं। तो जो 32 बिट के आपके माइक्रो कंट्रोलर्स जनरली होते हैं वो बहुत हाई फाई एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक कंट्रोल अप्लायंसेज में यूज होते हैं, ऑटोमेटिक ऑपरेशन मशीन्स में यूज होते हैं, मेडिकल अप्लायंसेज में, जहाँ पर हाई बिट रेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम डिफरेंस को देखें तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में जो सिंपल डिफरेंसेज हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है तो आप इसको एग्जाम के पॉइंट तैयार करना चाहिए। देखो, माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ये सारे एक साथ अवेलेबल होते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ये होता नहीं है। इसको आपको इंटरफेस करना पड़ता है पेरिफेरल डिवाइसेस की सहायता से, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा है, माइक्रो कंट्रोलर्स को रिप्लेस करना काफ़ी इजी होता है क्योंकि इंटरफेस बहुत किया नहीं, सारा कुछ तो एक चिप पर अवेलेबल है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को देखें तो इसको इजी नहीं है रिप्लेस करना, बिकॉज रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, इसको माइक्रो प्रोसेसर को आपने इंटरफेस किया हुआ है, तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके जो हार्डवेयर हैं वो है, उसके हिसाब से क्या डेटा रेट है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आधार पर है ना आप माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ पिंस की भी बात यहाँ पर आती है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर्स आपके ना जब कम पावर कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली सीमास टेक्नोलॉजी से बनते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपके सीमास टेक्नोलॉजी से भी बनते हैं, इसके अलावा आपका एन और पी मॉस की सहायता से भी डिजाइन होते हैं अलग अलग, और बीजेटीज भी कई बार यूज हो जाते हैं, सो इसका पावर कंजम्पशन थोड़ा सा हाई हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर्स की कॉस्ट लो होती है बिकॉज ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है। कॉस्ट ज़्यादा होने की एक वजह माइक्रो प्रोसेसर में ये भी होती है कि इसके हार्डवेयर्स के साथ इंटरफेस करने के लिए आपको अलग अलग और हार्डवेयर्स की इंटरफेसिंग डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और एक सिंगल चिप पर ढेर सारे चीज़ों को आप एक साथ इम्प्लांट करते हैं, तो जो आप ये एक बंच में जब आप इसका प्रोडक्शन करते हैं तो इसका कॉस्ट और कम हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को देखें तो सिंगल टास्क के लिए आप इसको यूज करते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर आप बिग एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अब छोटी छोटी चीजें हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डिवाइसेज को जो कुछ 10 मीटर के अंदर तक की डिवाइसेज को आप है ना एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसकी रेंज काफी कम होती है, फिर भी आप जो होम अप्लायंसेज हैं उनको आप आसानी से इसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें ब्लूटूथ डिवाइस होती है, एक मॉडम होता है, ये ब्लूटूथ आपका ट्रांसीवर होता है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों कनेक्टेड होते हैं। रिसीवर की सहायता से डेटा सेंड करता है, ट्रांसमीटर की सहायता से डेटा को सेंड करता है, और रिसीवर की सहायता से डेटा को रिसीव करता है। ये 2.4 GHz पर नॉर्मली काम करता है ना। मेनली ये इंक्वायरी स्कैन पर काम करता है। आपको जब भी किसी डिवाइस को पेयर करना होगा तो आप क्या उस डिवाइस को ये चेक करता है, और वहाँ से इंक्वायरी करने के बाद जब उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर सेफ है डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके बीच की जो रेंज है वो काफ़ी कम होती है, 10 मीटर के करीब होती है। दूसरा आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी है, ये भी आपका 2.4 GHz पर काम करता है। यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट होता है, इस एक्सेस पॉइंट से आपका जो वाईफाई का जो आपका इंटरनेट, ये इंटरनेट का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, जो ये कनेक्शन के लिए इंटरनेट यहाँ पर जनरेट होता है ना, और इसकी सहायता से आप लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप्स को, मॉडम्स को है ना, और अलग अलग तरह के ये आपके इंटरनेट इन्वायरमेंट में जो भी डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस एक्सेस पॉइंट की सहायता से आप उन सारे को है ना वो इंटरनेट प्रोवाइड कर पाते हैं। ये जो आपका कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन करीब करीब 100 मीटर तक का होता है ना, तो इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, तो 50 मीटर से 100 मीटर तक की रेंज में आप अच्छी इसकी कम्युनिकेशन स्पीड देख पाते हैं है ना। तो वाईफाई की सहायता से आप और बाकी सारे डेटा का ट्रांसफ़र करना है, फाइल्स का ट्रांसफ़र करना है, ये सारे ये सब तो आप कर ही सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से होता है। इसके साथ साथ आप नेटवर्क का भी क्रिएशन कर सकते हैं, इसमें नेटवर्क एक दूसरे के बीच में नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, और आप इंटरनेट को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू बाकी डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज हियर है ना। इसके लिए आप वाईफाई कार्ड का यूज करते हैं नॉर्मली कंप्यूटर्स और सेलफोन्स के लिए, जिसके सहायता से काफी आसान हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?
जब आप ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को, या आप कंप्यूटर सिस्टम को पहले नाम देखे क्या देंगे? कोई भी कंप्यूटर है उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में नोड नाम से जानते हैं या स्टेशन नाम से जानते हैं, है ना, इन सब नामों से जानते हैं। तो अब दो या दो से अधिक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक हो सकती है। तो जिस तरह से हम उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अगर इनके बीच में हमारा डेटा का ट्रांसमिशन हो पा रहा है, डिजिटल डेटा का ट्रांसमिशन आसानी से हो पा रहा है, दिस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन, है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको डेटा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ डेटा देखने को मिलेगा। जो भी आपका डेटा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डेटा जा रहा है, उसके बीच में ना इस पूरे ऑपरेशन को कई लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, कि उस सिक्योरिटी के लिए कुछ ना, डेटा ट्रांसमिशन के लिए कुछ, नेटवर्क के लिए कि किस तरह का नेटवर्क होगा, इसके आधार पर अलग अलग लेयर्स डिजाइन कर लेते हैं। दिस इज डन इन नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग कुछ नहीं करता है, ये बस पूरा का पूरा जो आपका ये है नेटवर्किंग है, नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसको कई मल्टीपल लेयर्स में, कंसेप्चुअल लेयर्स में डिवाइड कर लेता है, और हर लेयर का एक इंडिपेंडेंट टास्क डिफाइन करके फिर उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। और फिर इस तरह से जब करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं। नेटवर्क के नेटवर्क को आप इंटर नेटवर्क बोलते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क आपका इंटरनेट है ना, सबसे बड़ा नेटवर्क आप इसको देखेंगे, कह रहे हैं कि कहा जाता है कि इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट पर जो सबसे बड़ा नेटवर्क अवेलेबल है दैट इज इंटरनेट। और इंटरनेट के थ्रू पूरे विश्व में आपने अरबों खरबों डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। कुछ लैन के थ्रू कनेक्टेड है, कुछ वैन के थ्रू कनेक्टेड है ना। तो अलग अलग तरह के नेटवर्किंग इसमें दिखाई देंगे आपको। एडवांटेजेस क्या है अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस देखें या कंप्यूटर नेटवर्क के, तो उसमें देखते हैं कि भाई रिसोर्स शेयरिंग बहुत आसानी से हो जाती है। कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा सेंड करना आसान हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू, TFT के थ्रू, इन सब आसान हो जाती है ना। इंफॉर्मेशन की शेयरिंग वेब और इंटरनेट के थ्रू आसान हो जाती है। दूसरे यूजर्स के साथ, है ना, बहुत सारे इंटरेक्शंस आप आसानी से कर सकते हैं वेब पेजेस के थ्रू, जो डायनेमिक वेब पेजेस हैं। आईफोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जिसमें आप जैसे जैसे समय के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्वालिटी और बढ़ती चली जा रही है। पैरेलल कंप्यूटिंग एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया है, गेमिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल के समय में। आप स्टूडेंट्स खुद ही आप देखिए, अलग अलग रूम में अलग अलग जगहों पर बैठ के आप एक साथ एक ही गेम को खेल पाते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। इंस्टेंट मैसेजिंग तो बहुत आम बात हो गई है, तो वो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन में बदलता जा रहा है। पहले केवल एक मैसेजिंग ऐप हुआ करता था, जिसमें छोटे छोटे मैसेज को हम लोग सेंड करते थे, और उसमें बहुत बड़े मैसेज आप टाइप कर दीजिए तो भेजता नहीं था ना। लेकिन आज के समय में आप देखिए, कितने भी बड़े बड़े मैसेज हैं, आप उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में, फेसबुक है, ये है, वो है, सब जगह आप भेज सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस। और पे बहुत इस कम्युनिकेशन नेटवर्क पर काम इसीलिए किया गया सो दैट कि लोगों के रिलेशन और सुधर जाए। हालांकि वो सुधरा कि बिगड़ा उस पर बात की जा सकती है, बट टेक्नोलॉजी काफी अच्छी हुई, ये बात कर सकते हैं। अगर वायरलेस सेंसर नेटवर्क की हम बात करें, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क हमारा, दिस इज ऑल्सो इन द सिलेबस, है ना, AKTU के सिलेबस में, और बाकी कई जगह से और बात होती है। मैं छोटी छोटी चीजें इसमें है, देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम फॉरेस्ट में चले गए, है ना। तो फॉरेस्ट में ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहां पर जहरीले जानवर भी होते हैं, तो आपका बहुत बार आना जाना ठीक सिस्टमेटिक नहीं रह जाता है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे अनरीचेबल प्लेसेस पर जाने के बजाय आप वहां पर सेंसर्स डिप्लॉय कर देते हैं। एक बार जाकर तो आपने अलग अलग सेंसर्स फॉरेस्ट में डिप्लॉय कर दिया। ये सेंसर्स का काम क्या है, ये सेंसर्स एक नोड है जिनको आप सेंसर नोड बोलते हैं। ये नोड्स क्या है, इसमें आपने एक बैटरी लगा दिया है, इस बैटरी मतलब पावर सप्लाई है, और एक माइक्रो कंट्रोलर है उसमें, जिसको आपने मेमोरी और ट्रांसीवर से कनेक्ट कर रखा है। एक एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है जो सेंसर्स के साथ कनेक्टेड है। जिस तरह के सेंसर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर लगा रखा है आपने। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि जंगल में आग लग जाए तो आपको पता चल जाए, तो आग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आप बताइए, क्या क्या सेंसर चाहिए। एकदम सिंपल है, यस, है ना, एकदम सही जवाब है आपका, यही जवाब होगा। क्या क्या चाहिए आपको, देखिए, एक तो फायर को टेम्परेचर से आप, तो टेम्परेचर बहुत तेजी से रेज हो जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा फायर है। फिर आपको गैस सेंसर की जरूरत पड़ेगी, है ना, स्मोक सेंसर की जरूरत पड़ेगी, धुआं उठ जाए तब भी पता चल जाता है। ये तीन चीजें अगर होंगी तो आपको पता चल जाएगा फायर है ना। तो ये तीन तरह के सेंसर आप डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको फॉरेस्ट में जब भी आग लगेगी आपको पता चल जाएगा, और ये पूरे फॉरेस्ट में आप सेंसर्स को डिप्लॉय कर देते हैं।
तो जब आग की पोजीशन बनती है तो यहाँ से सेंसर नोड्स, इन जो भी डेटा यहाँ से कलेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो माइक्रो कंट्रोलर एक डिसीजन करता है कि भाई फायर हुआ है। ये मैसेज बेस स्टेशन को सेंड किया जाएगा, बेस स्टेशन पर ये मैसेज प्रोसेस होने के बाद ये इंटरनेट के थ्रू यूजर को चला जाएगा। यूजर कौन है? गवर्नमेंट है ना? तो गवर्नमेंट का क्या काम है, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, आग को बुझाने के काम में एक्टिविटी अपनी दिखाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा कम्युनिकेशन होता है। तो हम चाहते हैं कि कहीं पर एक हो गया ऐसे अर्थक्वेक। अब देखो, जब अर्थक्वेक कैसे होता है, जब हमारे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं, है ना, वो प्लेट्स डिस्प्लेस होती हैं तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, है ना। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये पहले जनरेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो वेव्स उसकी होती हैं, वेव्स धीरे धीरे चलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बिल्डिंग्स हिल रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारे उसकी वजह से दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जो वाइब्रेशंस पहले हमें पता चल जा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना, भूकंप आने के पहले जो हमारे जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है, तो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, तो हम वाइब्रेशन सेंसर्स को यूज कर लें। और जब हम यूज कर लेते हैं तो उससे वाइब्रेशंस पहले पता चल जाती हैं, तो थोड़ा सा समय मिल जाता है हम लोगों को पहले से प्रिकॉशंस लेने के लिए। हम एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई भूकंप आने वाला है, आप लोग सतर्क हो जाए। हालांकि इसमें बहुत समय तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा समय मिल जाता है और इस रेमेडी में काफी कुछ, मतलब जान माल का काफी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। सो वायरलेस सेंसर नेटवर्क अलग अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अगर एक अच्छे सेंसर की बात हम करें, ठीक है, क्योंकि सेंसर की बात अभी जो पहला टॉपिक था उसमें भी आया था, जहां पर हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा जो टेम्परेचर, IoT की बात कर रहे थे, है ना, तो वहां पर भी सेंसर की बात कर रहे थे। तो उन दोनों टॉपिक्स के लिए अब ये आपका जो सेंसर नोड है, यहाँ तक तो ठीक है। अब सेंसर्स की, अच्छे सेंसर्स की क्या क्वालिटी है और कौन कौन से तरह के सेंसर होंगे, इनके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, है ना। ये दोनों ही टॉपिक में काम करेगा। तो इसके एक तो सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्मॉल सा फिजिकल चेंज हो, फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो, उसके लिए जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो बहुत अच्छा जनरेट होना चाहिए, है ना। एक तो ये है हमारा 1 mV/degree Celsius, जैसे आपका टेम्परेचर सेंसर है, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज आए तो 1 mV कम से कम वो आउटपुट जनरेट कर दे, है ना। लीनियरिटी होनी चाहिए, जिस रेशियो में इनपुट आपका चेंज हो उसी रेशियो में आउटपुट में भी चेंज मिले आपको। रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी में चेंज आ जाए, उसके लिए वो डिवाइस डिटेक्ट कर सके आसानी से कि हाँ ये चेंज हुआ। रेंज बहुत बड़ी होनी चाहिए, मतलब छोटे टेम्परेचर से बड़े टेम्परेचर रेंज के लिए अगर हम टेम्परेचर सेंसर की बात करें, स्पैन काफी अच्छा होना चाहिए। स्पैन होता है हमारा, जैसे रेंज हम कहते हैं, रेंज हमने कहा कि भाई मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेजर कर सके, है ना। एक एग्जाम्पल ये, स्पैन क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा हायर रेंज माइनस लोअर रेंज, ये हो जाएगा 96 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो आपका रेंज ज्यादा होना चाहिए तो स्पैन अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कम से कम नॉइज और डिस्टर्बेंसेज हो। नहीं तो पता चला कि भूकंप आया नहीं और वाइब्रेशंस के लिए नॉइज पहले क्रिएट हो गए, हमारे पास आया कि भूकंप आने वाला है और आना कुछ नहीं है, है ना। तो ऐसे नॉइज उसमें जनरेट ना हो, लेस पावर कंजम्पशन हो। लेस पावर कंजम्पशन एक वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भाई सेंसर नोड्स को आपने ऐसी जगह पर डिप्लॉय कर रखा है जहां पर आप बैटरी को बार बार बदल नहीं सकते, है ना। इसलिए भी आपका जो पावर कंजम्पशन है, हम ऐसे प्रोटोकॉल्स को यूज करें, अलग अलग वायरलेस सेंसर में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे एक प्रोटोकॉल आपका लीच होता है, LESH, है ना, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जिस पर का जिसकी सहायता से आप जो पावर कंजम्पशन है वो कम से कम करके एनर्जी इफिशियंट आप प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं, इनके नाम यहाँ पर है, टेम्परेचर सेंसर्स टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मूवमेंट को सेंस करने के लिए, एक्सेलरोमीटर फोर्स और एक्सेलरेशन को सेंस करने के लिए, इंफ्रारेड सेंसर। देखो इंफ्रारेड सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं मान लीजिए सिक्योरिटी सिस्टम बना रहा हूँ, तो अगर कोई यहाँ से किसी को गुजरना नहीं चाहिए तो ये आपका IR सेंसर है और यहाँ पर IR रिसीवर है ना। तो IR रिसीवर रिसीव करता रहेगा लगातार सिग्नल को, यहाँ से सेंसर सेंड कर रहा है, तो IR सिग्नल दिखेगा नहीं हमको, लेकिन अगर हम यहाँ से पास होंगे, ये सिग्नल इंटरप्ट होगा ना, जैसे सिग्नल इंटरप्ट होगा IR रिसीवर को सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा, ये एक बीप जनरेट करेगा, है ना, थ्रू स्पीकर, और एक तेज आवाज होगी और हमको पता चल जाएगा कोई अभी अभी गुजरा है, यहाँ से आना नहीं चाहिए था। सो दिस इज अ सिक्योरिटी सिस्टम। तो जैसे IR सेंसर है वैसे आपका लाइट सेंसर भी है, लेजर इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि लेजर की जो बीम्स होती हैं
और आप वैक्यूम रूम को आप वैक्यूम कर देते हैं, उसमें एयर नहीं रहता है, तो ऐसे कंडीशन में वो लाइट रेज आपको दिखाई नहीं देती। तो जब तक आप उसमें स्मोक या कोई पार्टिकल उसमें नहीं देंगे तब तक वो आपको लाइट रेज दिखाई नहीं देंगे, तो इस तरह से वो काफी अच्छी सिक्योरिटी हो जाती है। अल्ट्रासोनिक सेंसर को आप बहुत सारे सिक्योरिटी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मोक गैस सेंसर, अल्कोहल सेंसर हैं जो आपके एयर क्वालिटी को, केमिकल्स को और इन सब को सेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। टच सेंसर ऐसी जगह पर जहाँ पर हम टच के द्वारा सारे काम कर सकें, ठीक है। जैसे हम एक बहुत सारी मूवीज में आप देखते थे कि जब जाते थे और दीवार को छू देते हैं थे हाथ से, तो दीवार में से एक रास्ता खुल जाता था, है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें टच सेंसर के द्वारा होती थी। कलर सेंसर जो कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और ह्यूमिडिटी सेंसर जिससे एयर में कितनी नमी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब एक आपका है क्लाउड, है ना, एक टेक्नोलॉजी आपका क्लाउड भी होता है। क्लाउड क्या है, एक प्रकार का ये इंटरनेट, ये आपका जो वेब सर्विसेज हैं, है ना, जो वेब सर्विसेज हैं उसको आप क्लाउड कहते हैं। ये जो हमारा होता है ये आपको बहुत सारे चीज़ों को ना इंटरनेट के थ्रू बैकअप में रखने के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। इसके अलावा भी मैं दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। मान लीजिए हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके कहीं रखना चाह रहे हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइस अगर कभी डैमेज हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका खत्म हो जाएगा या पूरा जो आपका डेटा होगा। तो वो डेटा को ना हम हवा में सेंड करके रखते हैं, स्पेस में, है ना, दैट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट पर कहीं पर आपने जो स्पेस के लिए जगह बना रखी है उसको आप क्लाउड बोल रहे हैं। तो क्लाउड जैसे आपके हवा में बादल होते हैं उसको क्लाउड बोलते हैं, वैसे टेक्नोलॉजी में आप इंटरनेट में एक ऐसा प्लेस क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप अपने डेटा को रख सकते हैं। आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो जैसे जीमेल है आपका, तो जीमेल में आप देखते हैं 15 GB का आपको स्टोरेज मिलता है। तो जब भी आप जीमेल को ओपन करेंगे बगल में आपको स्टोरेज भी दिखाई देता रहता है कि कितना GB यूज हो चुका है। अब वो 15 GB जब कंज्यूम हो जाता है तो आप फिर उससे सर्विसेज मांगते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी क्लाउड में एक स्पेस अवेलेबल होता है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं इमीडिएटली, आपको मान लीजिए 2 GB के लिए आपने पेमेंट किया, तो 2 GB आपको स्टोरेज क्लाउड में फिर से मिल जाता है और आप वहां पर अपने स्टोरेज और बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरह के आपके क्लाउड में सर्विसेज अवेलेबल है, तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, आप मान लीजिए कोई आप ये कर रहे हैं, कोई आप कंपनी खोल रहे हैं और उसमें आप अपना प्रॉफिटेबल कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक वेबसाइट डिजाइन किया। ये जो वेबसाइट है हमारा जो हमने डिजाइन किया है, ये इस पॉइंट से है कि भाई इस पर यूजर्स आएंगे या लोग आएंगे और इसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग पे। तो कई बार ऐसा होता है कि ये आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पर हिट्स की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। तो हर वेबसाइट की अपनी हिट होती है, इसमें कितने यूजर्स एक साथ ना इसमें आ सकते हैं, है ना। तो हिट्स की संख्या मान लीजिए 1000 चाहिए और आप इसको बढ़ा देते हैं, ये बढ़ के कभी अगर पहुंच गई 5000 तक पहुंच गई, तो जितने यूजर्स के लिए वेबसाइट को डिजाइन किया गया है उससे ज्यादा आप इसमें हिट्स आने लगे, इससे क्या हो जाता है, सर्वर आपका डाउन हो जाता है। कई बार लिख कर आता है सर्वर डाउन। ये जो सर्वर आपका डाउन हो रहा है, इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको हिट्स की संख्या उसमें फिर बढ़ानी पड़ती है। अब आपका, आपने कंपनी क्यों ओपन की थी, कि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब आप फंस गए इसमें कि भाई आप वेबसाइट में लगातार सर्विसेज ले दे रहे हैं, तो अब इसमें समय जाएगा तो फिर आपका प्रोडक्शन कैसे होगा। इस चीज के लिए क्या करते हैं, हम क्लाउड सर्विसेज मांगते हैं, कोई थर्ड पार्टी हमको ये सर्विस करता है। दिस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। सो क्लाउड में एक आपका जो नया चीज है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी वो एग्जिस्ट करती हैं क्लाउड में, और वो जो सर्विसेज हमारी हैं वो हमको थोड़ी थोड़ी करके क्लाउड से मिलती जाती हैं, दिस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज ओके और नॉट, यस वेरी ओके, है ना। तो ये हमको मिलती है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का ये काम है कि वो लगातार सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा, वो देखता रहेगा कि 1000 हिट के लिए 5000 हिट्स आ गए, तो क्या करेगा, वो हिट्स की संख्या के लिए वेबसाइट में बदलाव करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करेगा। अब ये लगातार क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा काम होता रहता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। दिस देयर इज अ सर्वर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड स्टेशन, है ना। वो एक सर्वर होता है जो ये सारा काम करता है, ऑटोमेटिकली ये सारा होता है, ठीक है। लेकिन जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जाता है उस रिक्वेस्ट को इतनी जल्दी से वो कर देता है कि ऐसा लगता ही नहीं कोई सर्वर है। इसीलिए इन सारे सिस्टम्स को आप सर्वरलेस सिस्टम बोलते हैं, सर्वरलेस सिस्टम, है ना।
ठीक है, इसमें हार्डवेयर की काफी कम जरूरत पड़ती है, नॉर्मली इसमें सॉफ्टवेयर ही होते हैं और सारा का सारा आपका जो आपका स्पेस, आपका इंटरनेट का स्पेस है वहीं पर सारा प्रोसेसिंग हो रहा होता है। इसके लेयर्स की बात करें तो चार लेयर्स हैं इसमें। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो किस तरह के आपके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है ना, इसके अलावा कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी हार्डवेयर उसमें उसकी बात करते हैं, और नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली नेटवर्क है ना, तो किस तरह का नेटवर्क हमारा होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारा IaaS में हो जाता है। अब ये पूरा जितना हमारा हार्डवेयर है, क्योंकि आपको पता है ना कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर है उनको फिर रन कराना पड़ेगा थ्रू सम प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म को नॉर्मली आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको आप सर्विस सॉफ्टवेयर, इनको आप सर्विस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सॉफ्टवेयर आपका ये होते हैं जो ये एप्लीकेशन, सर्विस सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो रन करेंगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए लाइनेक्स हो गया, अपाचे हो गया, MySQL हो गया, PHP हो गया, सारे जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी सहायता से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इस पर इंस्टॉल करते हैं, जो हार्डवेयर को यूजर रन करा सके उसके पॉइंट से ये है। अब यूजर क्या करेगा, यूजर उस पर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज करेगा। जो भी हमारे सर्विसेज हैं वो सारे के सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एक सर्विस है आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट का है ना, अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो ये अलग अलग तरह की सर्विसेज अलग अलग तरह के उसमें ना अवेलेबल होता है। ऐसे अमेजॉन का होता है, ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है ना, इसको आप AWS बोलते हैं। AWS भी आपका एक सर्विस है जो अमेजॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, ये अगर आप इसको तीन नाम यहाँ पर दिए गए, होस्ट बिल्ट एंड कंज्यूम। तो होस्ट का हमारा काम क्या होता है, जो होस्ट करेगा, मतलब ये सारे हार्डवेयर्स हैं जिस पर आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसको पूरा करने का काम कौन करता है, ये आपका प्लेटफॉर्म जो आपके ये सर्विस सॉफ्टवेयर है ना। तो ये आपके जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये इसको होस्ट के साथ मिलकर ये पूरी तरह से इसमें बिल्ड किया, पूरा बना दिया। इसको कंज्यूम करने का काम कौन कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन आप रन कराएंगे। ये तीन मेन लेयर होते हैं आपके, लेकिन चार लेयर दिखाए गए हैं, जो चौथा लेयर है दिस इज नॉट टेक्नोलॉजिकल, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, याद रखिएगा है ना। ये क्या है फिर, है क्या, ये लिखा क्या है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, BPO। और BPO आप पहले से जानते हैं ये क्या करता है, दिस इज फॉर एडवर्टीजमेंट। आपका जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के लिए आपने सारा चीज किया है, जहां से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसकी सहायता से आप एक तो इन सारे लेयर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस करने हैं, क्या बदलाव करने हैं, आप क्या नया करना चाहते हैं, वो सब BPO में होता है, जिसकी सहायता से आप अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा एडवर्टीजमेंट का काम है, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज को परफॉर्म करना BPO का काम होता है, जिसकी सहायता से, ठीक है। तो ये आपका सबसे क्लाउड का सबसे बड़ा लेयर, सबसे ऊंचे ऊपर वाला लेयर है, बट पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि दिस इज नॉट द टेक्नोलॉजी, दिस इज ओनली बिजनेस मॉडल। ये इस तरह का मॉडल है जिसमें ये कंसर्न रहता है कि किस तरह से सर्विसेज कंज्यूमर तक ठीक से पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, जो सर्विसेज हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, उससे क्या हमें एडवांटेज मिल सकता है, कितने समय बाद सर्विसेज सेंड करनी चाहिए, ठीक है, वेंडर से क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं ये BPO के थ्रू पता चलता है। ये चार लेयर्स होती हैं क्लाउड में, इतनी इंफॉर्मेशन। बस आखिरी चीज है यहाँ पर क्लाउड के, अगर देखें चार तरह के क्लाउड आपको दिखाई देते हैं। पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है ऐसे क्लाउड जो सबके लिए अवेलेबल है। जीमेल ठीक है ना, जीमेल जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ है ना, ये ईमेल आईडी है जो आपका जीमेल पर होगा, तो सभी लोग जीमेल का जब आप पेज ओपन करेंगे तो सबके लिए वो आईडी पासवर्ड का प्लेस एक साथ ओपन होगा, एक आईडी होगा और एक पासवर्ड मांगेगा, इसके लिए उसके अलावा और जो भी सिक्योरिटी होंगे, एस्पेक्ट होंगे, वो सबके लिए एक जैसे होंगे। बस ये है कि सबके पास अपना अपना ऑथेंटिकेशन होगा, अपना आईडी और अपना पासवर्ड होगा, उसके थ्रू उसमें एंटर कर पाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सभी को अलाउड रहता है, पहले तो ये है ना। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो सबको एक्सेस अवेलेबल ही नहीं कराते, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्पेशल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्लाउड्स को प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं है ना। ये प्राइवेट क्लाउड सबके लिए अवेलेबल नहीं होते, प्राइवेट का मतलब ही वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। एक कम्युनिटी क्लाउड है, जैसे प्राइवेट क्लाउड है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी एक कंपनी का नाम आप सोच लीजिए, उस कंपनी में जो भी आपके लोग होंगे वो सब वहां के
वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे होंगे, उनको कुछ लिंक अवेलेबल होंगे जो सभी के पास अवेलेबल नहीं होंगे, ये सबके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो प्राइवेट क्लाउड हो गया। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, ये जो कई ऑर्गेनाइजेशन है ना मिलकर एक सिंगल क्लाउड पर काम करते हैं, ये जो क्लाउड होता है इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल होगा। अभी ये क्या है, कम्युनिटी क्लाउड है, क्लियर है। एक है हाइब्रिड क्लाउड होता है, जिसमें आपका पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी क्लाउड हाइब्रिड ये तीनों ही तरह के क्लाउड अवेलेबल होंगे, अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे। दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ क्लाउड। तो इतने तरह की बात हमको यहाँ पर करनी थी। आपको इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको कायदे से आप एग्जाम में लिखिएगा, है ना। और मुझे लगता है कि जब आप एग्जाम में इसको लिखने जाएंगे तो आपके एकदम काम आने वाला है ये वीडियो। खुद भी देखिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए, है ना। समय समय के साथ आपको मैं और भी नए अभी वीडियोस देता रहूंगा। हालांकि टेक्नोलॉजी में अभी मैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, चूंकि तो टेक्नोलॉजी में अभी इतनी ही बात यहाँ पर रखनी थी, इसके अलावा और मुझे कोई बात इसमें करनी नहीं है। तो आगे जो वीडियोस आएंगे वो अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि अब उसकी बारी आ रही है। तो अगले लेक्चर से, अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग उसकी बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अब पढ़ने का एकदम समय आ गया है, एग्जामिनेशन सामने है, खूब मेहनत से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो देखते रहना है। तो लगातार वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। समाप्त करें, फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। चलो फिर हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार।